नेकलेस चाहे चांदी का हो या सोने का, अगर आपकी गर्दन काली है तो आपकी खूबसूरती और भी बदनुमा नज़र आती है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी पर जाते हैं तो यकीनी सी बात है लोगों की नज़र आपके फेस पर जाती ही है, और साथ ही जब उनकी नज़र आपकी गर्दन पर जाती है तो उनकी हंसी निकल जाती है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपकी गर्दन काली हो और आपकी बाकी स्किन वाइट हो तो आपकी खूबसूरती को और भी बदनुमा और भद्दा बना देती है। आप दोस्तों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी काली से काली स्याह गर्दन को बहुत ही ज्यादा लाइट और ब्राइट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये रेमेडी बहुत ही सिंपल, सादा और आसान है, तो चलिए बना लेते हैं आज की ये अमेजिंग सी रेमेडी। तो व्यूअर्स, ये रेमेडी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको क्लीन बाउल की जरूरत होगी। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना होगा 1 टेबलस्पून मलट्ठी पाउडर। मलट्ठी पाउडर की इमेजेस मैंने स्क्रीन पर वाजे शो कर दी हैं, ये ब्राउन कलर का होता है। आपने 1 टेबलस्पून मलट्ठी पाउडर क्लीन बाउल के अंदर डालना होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड करना होगा वह है एग वाइट, यानी कि अंडे की सफेदी। और थर्ड इन्ग्रीडियंट और लास्ट इन्ग्रीडियंट जो आपने इसके अंदर ऐड करना है वह है लेमन जूस। आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस इसके अंदर ऐड करना है, और इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्सअप करना है। तो इस पेस्ट को आपने कैसे अप्लाई करना होगा, सबसे पहले आप एक बाउल में गर्म पानी ले लें और थोड़ा सा टॉवल उसके अंदर भिगो के अपनी गर्दन के ऊपर फेरें। थोड़ी ही देर के बाद आपने जो पेस्ट तैयार किया होगा उस पेस्ट को अपनी गर्दन के ऊपर अप्लाई करें, और 15 से 20 मिनट के लिए आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। छोड़ने के 15 मिनट के बाद आपकी जो गर्दन होगी वो खुश्क हो जाएगी, और आप अपनी गर्दन को नॉर्मल वाटर से यानी कि ताज़ा पानी के साथ वॉश कर लें। व्यूअर्स, अगर आप रेगुलरली सिर्फ 5 दिन इस पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने आप अपनी काली गर्दन को बहुत ही जल्दी फेयर कर पाएंगे, ग्लोई बना पाएंगे, इवन इतना तक कि आप लोगों के चेहरों से भी ज़्यादा अपनी गर्दन को गोरा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये होम रेमेडी जो कि इंस्टेंटली स्किन व्हाइटनिंग के हवाले से थी, नेक व्हाइटनिंग के हवाले से थी, आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही कड़े बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस आपको आसानी मिलते रहें। तो व्यूअर्स, फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।